नाम से बहुत सारी उपनिषदें प्रसिद्ध हैं। तो अब आजकल के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सब पर तो श्रद्धा नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं कि बाद में लोगों ने अपने संप्रदाय की प्रवृत्ति के लिए संप्रदाय की बात कह दी। पर अपना तो ऐसा है कि कौन क्या कहता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उपनिषद में जब किसी मकान बनाने की विधि का वर्णन हो तो हम उससे कहेंगे कि भाई ये शिल्प कला का वर्णन कर रही है उपनिषद, और यदि गृहस्थ धर्म का वर्णन कर हो तो कहेंगे गृहस्थ धर्म का वर्णन कर रही है। और किसी न किसी आदमी के लिए किसी न किसी देश में किसी न किसी समय में वो बात भी उपयोगी होती है, इसलिए हम ऐतिहासिक दृष्टि से कि क्या आगे है और क्या पीछे है इस दृष्टि से उपनिषद की संगति लगाते ही नहीं। हम उपनिषद की संगति लगाते हैं मीमांसा पद्धति से, है ना। मीमांसा पद्धति माने जहाँ ब्रह्म का निरूपण है वहाँ ब्रह्म विद्या है, और जहाँ ब्रह्म का निरूपण नहीं है वहाँ इसी पद के अर्थ का निरूपण है। तो ब्रह्म ज्ञान में जब हम नेति नेति बोलेंगे तो इसी इसी के अर्थ में जो कुछ आएगा उसका निषेध कर देंगे और ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, और इसी इसी पद के अर्थ में तो समझो कि गृहस्थ धर्म भी आता है, मकान बनाना भी आता है, चलना बोलना भी आता है, तो वो सब ऐसा भेद में रहे भी तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए अपन श्रद्धालु लोग जो है अपन श्रद्धालु लोग यही मानते हैं कि जो कुछ कहा गया है दुनिया में और जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ कहा जाएगा वो सब वेद से ही निकला है। ये श्रद्धालुओं की आस्था है। भूतम भव्यम भवत चापि सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनुस्मृति में ये श्लोक आया है, जो कुछ कभी हुआ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कभी होगा वो सब का सब वेद से ही सिद्ध होता है। तो यदि आधुनिक विचार वाला भी कहीं खुद बैठने लायक कोई बात कहता है तो उसको हम वेद के अमित विभाग में उसका समावेश कर सकते हैं। अब मीमांसा पद्धति से विचार करने पर कोई झगड़ा ही नहीं है, वो तो कोई कामी के लिए कोई बात है, कोई क्रोधी के लिए कोई बात है, लोभी के लिए कोई बात है, तिब्बत के आदमी के लिए कोई बात है, मुसलमान के लिए कोई बात है, ईसाई के लिए कोई बात है, है ना, कोई तमोगुणी के लिए है, कोई रजोगुणी के लिए है, कोई सत्वगुणी के लिए है, है? तो देश भेद से काल भेद से अधिकारी भेद से सभी बातों की संगति हम लगा देते हैं। कई तरह से हम वेद के एक अक्षर को भी अप्रमाण नहीं मानते। दूसरी बात सुनाते हैं, दूसरी बात यह है कि इन उपनिषदों में से जो अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं, तीन उपनिषदों पर शंकराचार्य भगवान का भाष्य लिखता है। मुंडक मांडुक्य और प्रश्न, मुंडकोपनिषद मांडुक्योपनिषद
और प्रश्नोपनिषद, तीन उपनिषदों का शंकराचार्य का भाष्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने आचार्यों के नाम से हमारे वैदिक संप्रदाय प्रचलित हैं, उनमें सबसे पुराने तो शंकराचार्य हैं। मध्वाचार्य से भी पुराने, निंबार्काचार्य से भी पुराने, वल्लभाचार्य से भी पुराने, विष्णु स्वामी से भी पुराने, निंबार्काचार्य से भी पुराने, और श्री रामानुजाचार्य से भी पुराने। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आजकल जो उपनिषदें ये मिल रही है मुंडकोपनिषद आदि, ये शंकराचार्य के समय में बहुत प्रामाणिक मानी जाती थी, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने उन पर भाष्य किया। अब अरे शंकराचार्य के पहले भी मुंडकोपनिषद की बड़ी इज्जत थी, वो कहते वेदांत दर्शन में जिसकी व्याख्या शंकराचार्य भगवान ने की है, व्यास भगवान ने मुंडकोपनिषद के मंत्र को लेकर के उस पर विचार किया है। यद्रेश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम, ये जो मंत्र है इसका एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में वेदांत दर्शन में। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मो ये सूत्र है वेदांत दर्शन में। तो भाई परमात्मा जो है वो अदृश्य अग्राह्य अचक्षु श्रोत्र ऐसा है परमात्मा, क्योंकि उपनिषद में ये बात साफ साफ कही गई है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि शंकराचार्य के समय में तो मुंडकोपनिषद प्रामाणिक था ही, जब व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा था तब भी ये मुंडकोपनिषद प्रामाणिक रूप से था, और शिष्य संप्रदाय में परिगृहित है। शंकर रामानुज निंबार्क वल्लभ मध्य सब इस मुंडक को एक श्रेष्ठ उपनिषद मानते हैं, और उसकी व्याख्या अपने संप्रदाय में करते हैं, और उनके संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हैं। तो अब देखो, एक तो वेद होने से, दूसरे व्यास आदि शिष्ट जनों के द्वारा परिगृहित होने से, तीसरे शंकराचार्य आदि के द्वारा व्याख्यात होने से, ये उपनिषद जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है, तत्व ज्ञान देने वाला उपनिषद है। क्योंकि देखो हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो उपनिषद के सिवा दूसरी किसी भी रीति से होता है, ये हम लोगों की श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि एक परब्रह्म परमात्मा ने ये विचार किए बिना कि सब परमात्मा है, ये जीव शत्रु की कल्पना करके, मित्र की कल्पना करके, उनके साथ राग द्वेष करके मृत्यु हो रहा है। तो जब ये कल्पना से दुखी हो रहा है, तो विज्ञान से जांच करने पर ये कल्पना निवृत्त नहीं हो सकती। तो साइंस से जो मशीन बनती है वो दुनिया की जांच करने के लिए होती है, वो मैं की जांच करने के लिए नहीं होती है। तो मैं में जो सुखी पना है, दुखी पना है, वो मैं के स्वरूप का जांच किए बिना कल्पित है। तो इस कल्पित सुखी पने को, कल्पित दुखी पने को निवृत्त करे तो बोले अध्यारोप से जो दुख होता है वो अपवाद से निवृत्त होता है, इसको ना करना पड़ेगा। तो जिस प्रमाण से तुमने पाप माना है उसी प्रमाण से पुण्य मानना पड़ेगा, जिस प्रमाण से तुमने अपने को न जान करके अपने में बंधन की कल्पना की है उसी प्रमाण से अपने आप को जान करके बंधन की कल्पना को काटना पड़ेगा। तो इसलिए उपनिषद की जरूरत है। तो आपको शंकर भाष्य जो है ना इसका अभिप्राय बाद में सुनाएंगे। पहले तो इतने समझो कि इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है कि शंकराचार्य भगवान ने इस पर भाष्य किया, रामानुजाचार्य ने भाष्य किया, श्रीरंग रामानुज, श्रीरंग रामानुजन का नाम है, उन्होंने
और निंदार्काचार्य का तो कोई भाष्य मिलता नहीं है, ब्रह्मसूत्र पर ही मिलता है, उनके अनुयायियों ने भाष्य किया है। मध्वाचार्य ने समय पर फिर उल्टा ऐसा तात्पर्य निर्णय उनका लिखा पीजा लिखी, उसमें भी निंद को संयोग है। वल्लभ संप्रदाय में भी पीछे के आचार्यों ने पीजा लिखी तो इस उपनिषद में परमात्मा का वर्णन। अब निंद को परिषद ये क्यों बोलते हैं? तो निंद को परिषद में बोलते हैं इस शरीर का चार विभाग कर ले, शरीर में चार विभाग कर दो, एक स्थूल शरीर प्रधान, एक सूक्ष्म शरीर प्रधान और एक कारण शरीर प्रधान। तीन शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण, और एक चौथा कौन था? आत्मा सूर्य है। तो ये जो मुंडक है ना, ये स्थूल शरीर का मुंड नहीं है ना, ये सूक्ष्म शरीर का मुंड नहीं है, ये कारण शरीर का मुंड नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्मरूप मुंड है, सूर्य सूर्य आत्मा का स्वरूप है। इसलिए मुंड भूत जो क माने सबके शिरोभाग में मूर्धन, सबसे ऊपर जो क माने ब्रह्म है सुख है, उसका निरूपण करने के कारण उसका नाम मुंड को परिषद है। ये सब में मूर्धन है, आप जानते हैं जैसे हेड मास्टर होता है, मास्टरों में मूर्धन्य कौन होता है? हेड मास्टर। हेड माने क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। हम तो एक महात्मा ने बताया था हेड माने मूड है ना, है ना, महात्मा ने बताया था हेड माने मूड। तो ये मुंडकोपनिषद है माने हेड उपनिषद है, आप समझ गए ना, उपनिषदों का हेड है मूर्धन्य, उपनिषद मूर्धन्य है, इसलिए इसका नाम मुंडकोपनिषद है। और ये महाराज अत्याश्चर्यी भी है, एक आश्चर्यी होते हैं, आश्चर्यी होता है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये आप जानते हो आश्रम बना करके जो रहते हैं तो आश्रमी है, समय जो तो आश्रम प्रायो सन्यासी के लिए आश्रम नहीं होता। तो अत्याश्रमी यह माने जो चार वर्ण और चार आश्रम, इनसे भी जो पार पहुंच जाते हैं जो जीवन मुक्त पुरुष है, उनके लिए ये उपनिषद कही गई है। तो अब अत्याश्रमी से ऊपर तो और कोई होते ही नहीं, इसलिए इसका अधिकारी जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए इसका नाम मुंडकोपनिषद। और बोले भाई कि पुरो व्रतम विधिवत जयतीर्णम, सबसे बड़ा व्रत कौन है? सबसे बड़ा व्रत है पुरो व्रत। हमारे पास एक ब्रह्मचारी आया, उसकी बाल बड़े घुंघराले दिखते थे, बड़ा शौकीन था बालों का, शौकीन तो मैं गुरु और बचेगा तो हमारी बात तो उससे मानना चाहिए ना। हमने उससे कहा कि तुम अपने बाल कटवा लो, ये लोगों की आंख देखने में भी मलूक था, सुंदर था जरा, और बाल भी बड़े अच्छे थे, तो देख करके लोगों का मन तुम्हारी तरफ खिंचता है, तुम ये बाल कटवा लो। तो महाराज उसने नहीं कटवा, मैं तो नहीं मानी हूँ बात। तो फिर एक दिन कहा हमें माना, एक दिन मैंने पकड़ा और पकड़ के थोड़ी सी उसका बाल काट दिया। जैसे लोगों का बाल में इतना मोह होता है, ये बाल जो है ना शरीर का मल है ना, बिल्कुल शरीर का मल है। ये तो जैसे नाखून निकलता है, जैसे पसीना निकलता है, वो तो शरीर में जो गंदगी इकट्ठी होती है ना, वो ये काला काला बन करके निकलता है। लेकिन लोगों का बाल से कितना मोह होता है, बाद में उसको कुछ गिरा नहीं लगा है, उसको कोई नहीं मालूम पड़ा कि स्वामी जी ने हमको बहुत प्रेम किया, वही उसको मालूम पड़ा। लेकिन उसका मन कटाने का नहीं होता था, जैसे प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है
कि अगर आदमी कोई पाप करे और पाप का प्रायश्चित करे तो सिर मुड़ाना जरूरी है, उसमें और कुछ करे कि न करे लेकिन सिर जरूर मुड़ावे, क्योंकि बाल में पाप का मुदाफे का है, ऐसा लिखा है धर्मशास्त्र के ग्रंथ में। बोले सभास्त्री हो तो क्या करे, बोले जो केवल दो अंगुल ऊपर का नीचे करो, दो अंगुल ऊपर का कटवादी अगर उसको प्रायश्चित करना हो तो पूरा बाल न मुड़ावे लेकिन ऊपर का दो अंगुल कटवादे। तो मैंने देखा बंबई में तो महाराज सब लोग इसका अनुष्ठान करते हैं, ज्यादातर लोग इसका अनुष्ठान करते हैं, है ना। तो वो कोई आश्चर्य नहीं रहा। अब प्रयागराज में जो लोग जाते हैं, प्रयाग मुंडे है ना, गया कुंडे प्रयाग मुंडे है ना, गया में जाए तो कुंडदान करे और प्रयाग में जाए तो भोगावे। तो जिन्होंने विधि पूर्वक शिरो व्रत किया है, शिरो व्रत किया है उनके लिए ये उपनिषद निकले। तो आओ इसका पहला मंत्र पढ़ते हैं। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबधूव, प्रथम संबधूव। ये ओम जो है ये मंगलाचरण है, ईश्वर का नाम है। ये ओम जो है ये अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है, अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाला है, और एक अक्षर में सारा वेद भरा है। सारा वेद गायत्री में और गायत्री प्रणव में, इसलिए वेद के पहले ओंकार का उच्चारण करके तब वेद का उच्चारण करते हैं। बल्कि ये लिखा है कि ओम वीर भी अश्वा और गायत्री का उच्चारण करके तब वेद का उच्चारण करना चाहिए। तो गायत्री गई जागृति में दीर्घ में, और जागृति ये तीन जो है ये ओंकार में गए, और ओंकार जो है वो अमात्र में गया, और अमात्र में परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इसलिए ओम को बोलना चाहिए। और ब्रह्मा देवानाम प्रथम स्तंभ भूव, संपूर्ण देवताओं में जितने देवता है उनमें सबसे पहले ब्रह्मा हुआ। अब आपको देखो देवानाम प्रथम संभवेद, जितने इंद्रादि देवता हैं, इंद्रादि देवता तो हुए कश्यप से, और कश्यप हुए मरीचि से, और मरीचि हुए ब्रह्मा से। तो देवताओं का परदादा हुआ ना, देवताओं के बाप कश्यप है और दादा मरीचि और परदादा ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा जो है ये देवताओं का परदादा है, ये सबसे पहले हुआ। अब आपको देखो यहाँ बताते हैं, ब्रह्मा कहने से ही ये बात प्रकट हो जाती है कि ब्रह्मा तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ, फिर प्रथम कहने का अर्थ क्या। तो यहाँ प्रथम शब्द का अर्थ पहला नहीं है, बोला श्रेष्ठ है वो, प्रथम माने श्रेष्ठ है। गिनती करना हो तो सबसे पहले उंगली पर नाम आएगा ब्रह्मा का। किस देवता का पहले नाम है, बोले ब्रह्मा का। श्रेष्ठ है ये, श्रेष्ठ है ये, सबसे बड़ा है ये, इसलिए इसको प्रथम कहते हैं। अब दूसरा संबंध में जो सम उपसर्ग है ना, उसका क्या अभिप्राय है ये बताते हैं। सजीव, सजीव माने हुआ, उत्पन्न हुआ, ये भी धातु की भूतकालिक क्रिया है। सजीव सम क्यों जोड़ दिया, तो सम इसलिए जोड़ दिया कि स्वयं बभुज, ये स्वयंभू है, स्वयंभू स्वयं भवती इसी स्वयंभू है नारायण। और संबभूव माने स्वयं बभुज, माने वो मियादि नियते संबभूव, इसमें माता का संबंध नहीं है ना, इसमें वीर्य का संबंध नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष की उत्पत्ति होती है वैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, ये स्वयंभू है। स्वयंभू जैसे वेदांति लोग चेतन का निरूपण करते हैं तो इसको स्वयं प्रकाश बोलते हैं, स्वयं प्रकाश। वैसे जब सत्ता का निरूपण किया जाता है तब उसको स्वयंभू कहा जाता है। वो ये स्वयं भवनशील सत्ता है, ये अपने आप ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गया। अब इसका दूसरा अर्थ देखो, देवानाम माने
हमारी जो इंद्रियां हैं, ये जब पैदा नहीं हुई थी तब भीतर अंतकरण के रूप में चतुर्मुख ब्रह्मा पैदा हुआ है ना। ब्रह्मा ब्रह्मा चतुर्मुख है ना। ये ब्रह्म में जब कर्तृत्व आ गया तब इसका नाम ब्रह्मा हो गया। ब्रह्म है ना, ब्रह्म तो ब्रह्म जो है वह करता है, अभोक्ता है, निष्क्रिय है। जब वो कर्ता होकर के प्रगट हुआ तब इसका नाम ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा शब्द पुल्लिंग है और ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है। तो ब्रह्म जो है वो किसी का बाप नहीं है न किसी की माँ है, और ये ब्रह्मा जो है ये सबका बाप है, पुरुष है, इसलिए इसका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आप देखो ये जो इंद्रियां हैं हमारी, एक देवता है सूर्य, आंख, दिशा कान, वायु स्पर्श, अश्विनी कुमार ग्रहण, दुर्गा में वरुण और अग्नि, ये सब देवता है। हाथ में इंद्र, पांव में उपेंद्र, ये सब देवता सारी शरीर में बैठे हैं। इनमें सबसे पहले क्या पैदा हुआ, बोले दिल पैदा हुआ है। तब उस दिल में जो वासना होती है उस वासना के अनुसार शरीर का निर्माण होता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में कौन हुआ, तो ब्रह्मा हुआ। ईश्वर के मन का नाम ब्रह्मा है ना, ईश्वर के संकल्प का नाम ब्रह्मा है। ईश्वर में जो ब्रह्मांड का अध्यारोपित अंतकरण, उसका नाम ब्रह्मा है। मनो नाम मनुष्य आकार धारणा, वो ब्रह्मा कैसा हुआ, तब विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, उसी ने विश्व को बनाया। विश्व का ये करता है, प्रजापति है, प्रजापति पति है, प्रजापतियों का पति है। समझो कि ये जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं ना, है ना, उनको यदि प्रजापति बोला जाए तो उस लोकसभा का, संसद का, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, उसको प्रजापति पति बोला जाएगा। ये सब सदस्य हैं और वो जो है वो सदस्य पति है, सदस्य पति अध्यक्ष। ऐसे ब्रह्मा जो है वे संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। भुवनस्य देवता, वो विश्व के कर्ता हैं। विश्वस्य माने विश्व के, कर्ता माने बनाने वाले हैं, और भुवनस्य देवता अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व की रक्षा करने वाले हैं। ये बात क्यों कही गई, इसलिए कही गई कि आप ये समझो कि पितृषद में यही उपदेश चाहे हो यही गुरु है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो उपदिष्ट विद्या होगी, गुरु श्रेष्ठ होगा ना, तो वो जिस विद्या का उपदेश करेगा वो विद्या भी श्रेष्ठ होगी। तो ये मुंडकोपनिषद में जो गुरु रूप से मुख्य वक्ता है वो ब्रह्मा है। जब वो सबका बाप है तो ज्ञान दान में पक्षपात नहीं करेगा, और सबका रक्षक है तो सबका हित चाहेगा, इसलिए सबके प्रति सब माने राग द्वेष से रहित है, और सबकी रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा ये विद्या कही गई है। तो ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वायो ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो ब्रह्म विद्याम, उसने क्या निरूपण किया, तो ब्रह्म विद्या का। तो देखो ब्रह्म विद्या शब्द का दो अर्थ हो गया, ब्रह्मणा प्रोक्ता विद्या ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विषया विद्या ब्रह्म विद्या। इसका वक्ता ब्रह्मा है इसलिए इसका नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्मा ने जो विद्या बताई तो ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म के बारे में जो विद्या प्राप्त हुई उसका नाम ब्रह्म विद्या। अब आओ परमात्मा का ज्ञान कराने, परमात्मा का दर्शन कराने, अरे ये विद्या क्या है। दुनिया में जितनी विद्या है ये बात इस उपनिषद में आने वाली है। एक अपराविद्या और एक पराविद्या। परिच्छिन्न व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उसको अपराविद्या बोलते हैं, और अपरिच्छिन्न ब्रह्म का, परिपूर्ण ब्रह्म का जो ज्ञान होता है उसको पराविद्या बोलते हैं। तो ये कैसी है, तो सर्व विद्या प्रतिष्ठा। दुनिया में जितनी विद्या है उनकी प्रतिष्ठा यही है, मैंने सब इसी में समाई हुई है।
प्रश्न है कि क्या एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवती। एक ऐसी चीज है कि उसको जान लो तो सबका ज्ञान हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठान का अर्थ हुआ सारी विद्याओं की ये प्रतिष्ठा है, सारी विद्याएं इसमें समाई हुई है। ऐसी ब्रह्म विद्या का हम निरूपण करेंगे। अब एक बात जिसको बताई गई उसके लिए भी कहते हैं अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय अधिकारी का वर्णन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का भी जो वर्णन आता है ना, इसमें आता है कि व्यास ने श्रीमद् भागवत का निर्माण करके नारद जी की आज्ञा से और बारंबार बारंबार उसका अनुशीलन करके संशोधन करके उसके बाद सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाया। बोले भाई सुखदेव जी को पढ़ाया इसका क्या मतलब? तो देखो पुत्र के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह होता है ना, वात्सल्य होता है। संसार में सब पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं, तो व्यास जी ने भी जो ज्ञान व्यास को है वही ज्ञान सुखदेव को दिया। अब ये ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो ब्रह्मा जी ने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अथर्वा नाम के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनको इसका प्रवचन किया। तो भाई ब्रह्मा जी के पुत्रों का जो वर्णन आता है तो उनसे मनु हुए ऐसा वर्णन आता है, तो सनत कुमार हुए, तो रुद्र हुए और भी नारद हुए, अंगिरा हुए, सनत कुमार हुए, उसमें तो अथर्वा का कहीं नाम नहीं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी भिन्न भिन्न कल्प में भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि बनाते हैं। एक कल्प ऐसा भी था जिसमें सबसे बड़ा पुत्र ब्रह्मा जी का अथर्वा हुआ, इसलिए अथर्वा जो है वो ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र है। सृष्टि तो तरह तरह की होती है। अब देखो सत्ता की तो महिमा ये हुई कि देवानाम प्रथमा, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है और स्तंभ जीवा मानो स्वयं प्रगट हुआ है और विश्व का कर्ता है और भुवन का रक्षक है। ऐसे कहो विश्व से भुवन से कर्ता, विश्व से भुवन से देवता, संपूर्ण भुवन का कर्ता है और संपूर्ण भुवन का रक्षक है। ये तो वक्ता की विशेषता है। और विद्या जो उसमें बताई जाएगी उसकी क्या विशेषता हुई? तो उसमें सारी विद्या समाई हुई है और बताई किसको गई? अब अधिकारी का विशेषण बताते हैं अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। आप लोगों को तो मैं बता दूंगा दस्त मालूम जाए बोला, लेकिन हमको तो मालूम करने में जो तकलीफ हुई है वो आपको मालूम नहीं है ना। ये अथर्वा शब्द जो है ये एक कोष निकाला कि अथर्वा नाम क्या होता है, तो उसमें लिखा था कि अथर्वा नाम का एक ऋषि होता है। एक कोष में ये बात मालूम करी अथर्वा नाम का एक ऋषि होता है। मैंने कहा ये तो बाबा तुम्हारे बताने के पहले हमको मालूम है ना, ये तुमने क्या बताया? तो दूसरे से ऋषि से है ना, दूसरे कोष से पूछा था कि अथर्वा नाम क्या होता है। बराबर बात सत्य विधा, तो उसने बताया कि अथ री और वनिष है ना, अथ माने अर्थ, अथ माने अर्थ, अर्थ में से रेत का लोप होके अर्थ शब्द बनता है ऐसा इसने बताया, और री माने ज्ञान। तो अथ री और वनिष, वनिष माने वान समझो, अर्थ अर्थ री माने ज्ञान और वनिष माने वान बोला। जिसके परमार्थ के ज्ञान में खूब खूब श्रद्धा हो उसका नाम अथर्वा। हमको तो संतोष नहीं हुआ भाई है ना, बात सत्य विधान में ये अर्थ लिखा हुआ और हमको संतोष ही नहीं हुआ। एक तो अर्थ का अर्थ बना दिया, फिर उसमें से री जोड़ा, फिर वनिष जोड़ा, तो देखो निरुक्त देखा। वेद का अर्थ करने के लिए निरुक्त देखना पड़ता है, तो
तो निरुक्त में लिखा मिला कि खरगति स्वरति कर्मा, न खरगति इति अथर्वा, न खरगति इति अथर्वा। जो विचलित हो जाए उसको बोलते हैं खर्ग, खरगति स्वरति। दृढ़ जो न हो, जिसके अंदर दृढ़ता न हो, किसी निश्चय पर जो दृढ़ न रह सके उसका नाम खरबा। और जो महाराज अपनी निश्चय पर अधिक हो गए, दृढ़ हो गए, उसका नाम अथर्वा। कभी कविता अथर्वा, अथर्वा यह है। अथर्व किसको कहते हैं कि जो दृढ़ निश्चय शिष्य हो। श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, हृदय में श्रद्धा हो, तत्परता हो, जितेंद्रिय हो। अब कोई जितेंद्रिय तो है ना, लेकिन साधन न करे, अरे इसमें क्या रखता है। बोले श्रद्धा ही न हो कि साधन से कोई फल मिलता है, तो जितेंद्रिय होने से तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो अच्छा भाई, श्रद्धालु हो लेकिन जितेंद्रिय न हो और साधन न करे तो कभी ब्रह्म न मिले। ऐसा खूब साधन करे लेकिन श्रद्धा न हो और जितेंद्रिय न हो तो कभी ब्रह्म की प्राप्ति न हो। तीन चीज चाहिए, श्रद्धा चाहिए और साधन का अनुष्ठान चाहिए और इंद्रियों पर बस होना चाहिए। नहीं तो इंद्रियों के रास्ते से ज्ञान जो है वो बह जाता है। तो अथर्वा शब्द का अर्थ है ये दृढ़ निश्चय है, जितेंद्रिय है, श्रद्धालु है और तत्पर है। दृढ़ निश्चय का पता कैसे लगे, तो अपने काम में डटे रहो, तत्पर हो जाओ। और दृढ़ निश्चय का पता कैसे चले, तो इसके लिए कुछ त्याग करो, है ना। तो जितेंद्रिय होना जो है वो त्याग करना है, और तत्पर होना है माने उसके लिए काम करना, लगे रहना। लगे ऐसे लागा रहे भाई, तेरी गलत गलत बन जाएगी, लगे रहो। और श्रद्धालु का क्या अर्थ है, तो ये पूरा विश्वास है कि इससे हमारा काम बनेगा। तो सफलता मिलने का दृढ़ निश्चय, लगे रहना और बिगड़े प्रतिहत न होना, ये तीन गुण जिसमें हो गए वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन ऐसा आवेगा हो बिल्कुल जैसे सूर्योदय हो जाता है ना, ऐसे बिल्कुल प्रकाश हो जाए। एक दिन ऐसा आवे कि सबको एक साथ ज्ञान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक दिन ऐसा हो कि सब समझे कि बस हम तो मुक्त। ये तो केवल जैसे स्विच दबा देते हैं, बस चालू बिजली चालू होने की देर है ना। लाइन एक बार ठीक ठाक हो जाए, उसमें बिजली चालू हो जाए, तो प्रकाश के लिए तो सिर्फ स्विच ही दबाना पड़ता है ना। लाइन ठीक होनी चाहिए, उसमें बिजली दौड़ने वाली होनी चाहिए, तो स्विच दबाया और ज्ञान हुआ। तो महाराज सर्वविद अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र है, ये सबसे बड़े पुत्र है, मेह भाजन है। अच्छा, पुत्र शब्द का शिष्य भी होता है। संसार में पुत्र, गृहस्थाश्रम में पुत्र उसको कहते हैं जो अपने रजवीर से पैदा हो, उसको बोलते हैं। तो बोले नहीं, जिसको गोद लेते हैं उसको भी पुत्र कहते हैं। तो बोले महाराज, गोद लेने में गोद लेने वाले की इच्छा तो होती है, पर गोद जाने वाले की रुचि कैसी है इसका तो पता नहीं चलता है। लेकिन ये गुरु शिष्य में जो पिता पुत्र का भाव है ना, इसमें तो पिता पुत्र दोनों की स्वीकृति है ना। दीयते शिक्षते, दीक्षा किसको बोलते हैं, कि चेला जा के बोल दे कि महाराज हमने अपने को अर्पण किया। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, तूने तो मुझे शरीर दिया है, मैं तुझे आत्मा देता हूँ। तूने तो जड़ शरीर मेरे सामने गिरा दिया, अर्पण किया, अब मैं तुझे चेतन आत्मा देता हूँ। दीक्षा माने क्या, काम शिष्य का और खेत गुरु का, इसी को बोलते हैं दीक्षा।
तो ये जो है ना सर्वविद अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, एक बिंदु शिष्य होता है, एक नाद शिष्य होता है। एक तो महाराज जड़ जल की बूंद से पैदा होता है, इसके पुत्र बोलते हैं। और ये जो शब्द बिंदु कान में पड़ते हैं, उसके अंतःकरण में एक पुत्र पैदा होता है, उसके नाद पुत्र बोलते हैं। एक बिंदु पुत्र, एक नाद पुत्र। तो पुत्र शब्द का दोनों अर्थ होता है। बोले अथर्वणीयां प्रददेत ब्रह्मा, अथर्वाताम पुरो गाचां गुरु ब्रह्म विद्याम। ब्रह्मा ने अथर्वा को, ब्रह्मा अथर्वणीयां प्रददेत प्राह, ब्रह्मा ने अथर्वा को जिस विद्या का उपदेश किया, अथर्वा ने पहले अंगी को इसका उपदेश किया। स भरद्वाजाय सत्यवाहाय, स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह। अब इस अंगी अंगी में भरद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवह से इसका उपदेश किया, और भारद्वाज सत्यवह ने अंगिरा को उस परावरा विद्या का उपदेश किया। अब इसमें आप देखो, ये विद्या जो है आपके जीवन में उतरती है। अथर्वा ने दृढ़ निश्चय ने अंगी को, जीव को इस विद्या से भर दिया, और जीव ने सत्य बहा जो है वाणी है ना, वाक तत्व, उसको ब्रह्म विद्या से भर दिया, और ब्रह्म विद्या ने अंगिरा को माने संपूर्ण जो मनुष्य जाति है उसको ब्रह्म विद्या से भर दिया। ये ब्रह्म विद्या कैसी है? परावराम, परावराम माने एक परंपरा है इसमें, ब्रह्मा अथर्वा अंगी सत्यदा और अंगिरा माने शुद्ध परंपरा से प्राप्त होने के कारण ये विद्या भी सिद्ध है। महात्माओं की परंपरा में रही है, लोग अपने खानदान का वर्णन करते हैं ना, अपने वंश का वर्णन करते हैं, इतने सिद्ध वंश में हम पैदा हुए हैं, हमारे बाप ऐसे, हमारा दादा ऐसा, हमारे परदादा ऐसे, अपने गोत्र का नाम लेते हैं, अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं। एक जाके किसी ने कहा कि झूठ बोलो, झूठी दवाई दो, बोला भले माने मैं ब्राह्मण ब्रह्म वंश में पैदा हुआ, रोज संध्या वंदन करता हूँ, गायत्री करता हूँ, और रोज कहता हूँ कि आज जो मुझसे झूठ बोला गया हो है ना, उससे भगवान माफ करे, रोज माफी मांगता हूँ, गलती से बोला गया हो तो जान बूझ के मैं झूठ बोलेगा। देखो ये वंश का अभिमान हुआ ना, पाप से उसने बचाया है ना। रोज व्यापारी के पास गए, भाई माल में कुछ मिलावट कर दो, तो ये बोला 250 बरस से हमारी गति चली आ रही है, उसकी दुनिया में प्रतिष्ठा है, और मैं अपने माल में गलत चीज मिला करके उसके दीवार में अपनी प्रतिष्ठा को, एक मिल की बात मैं जानता हूँ, एक मिल में किसी को मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो कहते अरे मालिकों में रखा है, तो उसमें क्वालिटी बिगाड़ हुई अपने कपड़े की, जिसको रखा उसमें ज्यादा कमाई करने के लिए है ना, पहले जो इज्जत थी ना अच्छी चीज की थी, बिगाड़ गई, बिगाड़ गई तो बिक्री घट गई, घट गई तो मालिकों ने कहा कि तुमने तो हमारे मूल की प्रतिष्ठा ही गिरा दी, निकल जाए तुम हमारे मूल में से। तो परंपरा जो है, परंपरा की भी एक प्रतिष्ठा होती है, लोग हमें आकर के लोग अपनी प्रतिष्ठा को गिरा देते हैं, इस कहते हैं हमारी परंपरा देखो ना, हमारा शुद्ध मन, हमारा दृढ़ निश्चयी मन है, और हमारा सत्यवादी मन, और हमारा शरीर को वश में रखने वाला ये आंगिरक तत्व, इसको मैं नष्ट भ्रष्ट करूं। तो परावराम परंपरा से प्राप्त ये विद्या, कर माने ब्रह्मा और अवर माने अंगिरा, ये विद्या जो है ये इस ढंग से चली है। और दूसरा इसका अर्थ है कि परावर जो ब्रह्म है, परावर माने ब्रह्म, तस्मिन दृष्टे परावरे, इसी उपनिषद में आने वाला है, सिद्ध्यते हृदय ग्रंथि, सिद्ध्यन्ते सर्व संशया,
परावर ब्राह्मण सगुण ब्रह्म भी और निर्गुण ब्रह्म भी। परा विद्या का विषय निर्गुण ब्रह्म और अपरा विद्या का विषय सगुण ब्रह्म। जिसके जान के कुछ करना बाकी रहे उसको अपरा विद्या बोलते हैं, और जिसके जान के कुछ करना न पड़े उसका नाम परा विद्या होता है। कर्तव्य का लोष भी नहीं रहे उस विद्या का उपदेश किया। कौन को हई महाकालो अंगिरसम विधि अधिकसम तस्मिन् भगवो विद्याते सर्वमिदं विद्यातं भवति। कौनक जी महाराज महाकाल को बड़ी बड़ी शाला बना करके यज्ञ करने वाले महाकाल, उन्हीं के यज्ञ में तो सूत भी आकर के भी पुराण की कथा सुनाते थे। पुनकस्यापत्यम महाकालो महागृहस्थास्त्र में रह करके सूत जी को तो आशीर्वाद देते थे, सूत जी तुम्हारा कल्याण हो, बैठे बैठे इस समय हमको यज्ञ में कुछ अवकाश मिला है तो तुम पुराण की कथा सुनाओ, पुराण की कथा सुनाओ। वो महाकाल अंगिरसम विधिवत उपसन्न पत्र विधि पूर्वक अंगिरा की शरण में गए। वो अंगिरा जो ब्रह्मा अथर्वा और अंगी भारद्वाज सत्यवह और अंगिरस, एक अंगी है और एक अंगिरस है, जो है तो ये पास में अंगिरा के पास जा करके सैनिक ने प्रश्न किया। ये महाकाल है, बड़े बड़े यज्ञ कर चुके हैं और बड़े भारी गृहस्थ हैं, 88,000 ऋषि इनके साथ रहते हैं, इनसे बड़ा गृहस्थ और कौन होगा। सबके खाने का पीने का बंदोबस्त करना है ना, सब लोग शांति से यज्ञ करें और भगवत चरित्र का श्रवण करें, ऐसा बंदोबस्त किया था सत्संग का। सत्संग का इतना अपूर्व बंदोबस्त, और लाउड स्पीकर बिल्कुल नहीं होता था, है ना। लाउड स्पीकर मैं अभी ग्राउंड ब्रा गया था ना, ग्राउंड ब्रा 5,000 आदमी बैठ के शाम को ही कथा सुनने के लिए, और जब कभी मुझे चित्त हो जाना पड़ता ना तो मालूम पड़ता है कि बिल्कुल शांति, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, एकदम शांति। मुंबई में उतनी शांति नहीं रहती, यहाँ तो अच्छेतम केशवम बोल जाने के बाद लोग बैठे रहते कि कहीं की शहर पे नहीं बोलेंगे, है ना। यहाँ के लोग तो महाराज संगो मित्र सस्तना इंद्रो बोलने के पहले टोपी लगा लेते हैं सिर पर, और कोट पहन लेते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि जाने की बड़ी जल्दी है। तो महाकाल सौनक जो है वो विधि पूर्वक अंगिरसम उपसन्न पत्र, विधि पूर्वक अंगिरा की शरण में गए और जाके पूछा। क्या पूछा? देखो प्रश्न ही तुम पूछ सकता है, आपके मन में अगर कभी उठे तस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान माने भगवान, हे भगवान ये कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने के बाद ये सब कुछ जान लिया जाता है। एक कोई ऐसी चीज है, दूसरे प्रतिशत में ये प्रश्न उठाया है, ऐसा कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि जैसे सोने की पहचान हो जाए तो सब जोरों में सोना है ये बात पहचान ली जाएगी, जैसे लोहे की पहचान हो जाए तो सब औजारों में लोहा है ये बात पहचान ली जाएगी, जैसे मिट्टी की पहचान हो जाए तो सब खिलौनों में मिट्टी है ये पहचान हो जाएगी। एक खेत के घर में हम लोग कह रहे थे तो बच्ची जाती कहते में है और वहां से आटा ले आते। हम अब हमको तो अपनी याद है, हम तो गांव में पैदा हुए ना, तो बचपन में हमारे घर के पास एक पोखरी थी है बड़ी लंबी, 13 एकड़ में है, 13 एकड़ में बड़ी लंबी, और दो उसके तट हम लोग कहते हैं ज्वापर जिसकी बनी हुई है उसके किनारे पर अपना घर, दो तट दो उसके कुएं हैं। तो हम उसमें से मिट्टी निकाल के ले आते और खिलौना बनाते, है ना, स्त्री बनाते, पुरुष बनाते, हाथी बनाते, घोड़ा बनाते और लेके उनको खेलते। तो हमको तब तक यही ख्याल था कि ये खिलौने बना के जो बच्चे खेलते हैं ये माटी के सिवा और किसी चीज से खेल ही नहीं सकते। जब खेत के घर में रहा हो तो देखा वो माटी से बेचारे छूटे ही नहीं थे, है ना, वो या तो रसोइये से आटा मांग के ले आने जूझा हुआ और उससे स्त्री बनाए, पुरुष बनाए, हाथी बनाए, घोड़ा बनाए, और या तो मोम बाजार से लेकर के रखे हैं और अपने हाथ से मोम का खिलौना बना रहे हैं
कागज काट के खिलौना बनाना है, लेकिन अब देखो कागज के कटे हुए स्त्री और पुरुष में कागज ही है ना, और गूंधे हुए आटे से जो खिलौना बना वो आटा ही है ना, है? और जो मोम से खिलौना बना वो मोम ही है ना। इसी प्रकार ये समूची सृष्टि जिस मूल मसाले से बनी है, अगर उस मूल मसाले का ज्ञान हो जाए तो मालूम पड़ेगा कि ये काला गोरा रंग है ना, ये लंबाई चौड़ाई जो है ये जानबूझ के बनाई गई है ना, ये तो मन की कल्पना है। तो असल में वो मूल खाती जो है वो जैसी हमने जैसी तुमने है ना, वही खड़ग में वही स्तंभ में है ना, वही है वो हमने और तुमने, हमने तुमने फर्क स्तंभ में वही एक वस्तु है, वही मैं है ना, और वही धरती और वही ईश्वर। तो अब ये जो प्रश्न है ना वो कौन सी चीज है, बोले उस वस्तु को जान लेने पर सब जान लिया हुआ हो जाता है। अब वो आपको फिर